Hey friends, assalamu alaikum. This is Sobia and you are watching my channel. आज मैं हाजिर हूँ एक ओपा के प्रोडक्ट के साथ. ये तकरीबन आई थिंक 280 या शायद 310 के अराउंड मुझे पड़ा है. ये 1 kg का इसका पैकेट है. ये है स्वीट कॉर्न. ये मैंने मंगवाए हैं. अभी हम इसको निकालते हैं इसमें से और इसको देख लेते हैं. पहले मुझे तो अभी एक्चुअली ये समझ नहीं आ रहा, मुझे इसको बॉईल करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली वैसे ज़ाहिर है करना पड़ेगा, लेकिन पहले खोल के चेक कर लेते हैं. ओपा मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है इनकी, बल्कि सेकंड टाइम किया है. इससे पहले इनकी मैंने सब्ज़ी मंगवाई थी, मिक्स वेजिटेबल, वो बहुत अच्छी साबित हुई थी. अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं इसको खोल के देख लेती हूँ कि इसका क्या प्रोसेस है, फिर आपको दिखाती हूँ. आज बेसिकली हम बनाएंगे कौन से एक सिंपल सी क्विक स्नैक टाइप, आप इसको कह लें या जो भी आपके समझ में आए आप इसको कह लें. आप इसको खा सकते हैं इजीली जब आपका दिल चाहे. आपके पास घर में नॉर्मली, अगर कॉर्न नॉर्मली नहीं होती, लेकिन अगर बाकी सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, जैसे नमक हो गया, मिर्च हो गई, धनिया और ये प्याज टमाटर, तो इनकी मदद से आप एक अपने लिए ये एक तेज़ी से रेसिपी तैयार कर सकते हैं. आए हैं, चलते हैं किचन में और देखते हैं इसका क्या करना. तो फ्रेंड्स, ये मैंने उसमें से निकाल ली है और यहाँ पे मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है. अब ये मेरा पानी हो रहा है बॉयल. इसको 2 मिनट तक तकरीबन हम बॉयल होने देंगे. उसके बाद हम 1 मिनट के लिए हार्डली उसको इसमें डालेंगे और उसको डालने के बाद बस फौरन आप उसको स्ट्रेन कर लें और फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम उसका एक्चुअली बनाना क्या चाह रहे हैं. मैंने अपनी कॉर्न को इसमें डाल दिया है. तकरीबन हम इसको 30 सेकेंड भी अगर छोड़ दें तो मोर देन इनफ हो जाएगा. इसके बाद मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ कॉर्न चाट कैसे बनाएंगे. तो फ्रेंड्स, ये मेरी स्वीट कॉर्न रेडी हो चुकी है. इनको मैंने 45 सेकेंड या शायद 1 मिनट के लिए हार्डली बॉइलिंग वाटर में रखा हुआ होगा. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कॉर्न चाट कैसे बना सकते हैं. आइए देखते हैं. तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास है कुछ टमाटर. पहले हम इसमें ये ऐड कर देते हैं. सही है, मैंने आपके सामने डाल दी. तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज और अपने पीस के हरी मिर्च डाल देते हैं. हरी मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा खटाई पाउडर. ऐड कर दिया है. अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने अकॉर्डिंग दिया है. अब हम इसमें रेड चिली डालेंगे, ये हमने डाल दी है. इसके बाद हम इसमें लेमन जूस डालेंगे. ये हो गया हमारा लेमन जूस. एक पूरा लेमन आप डाल सकते हैं इसमें ताकि अच्छा खट्टा खट्टा टेस्ट आए, आपको खाने में मज़ा आए. और एंड में हम इसमें डाल देंगे धनिया. अब हम इसको मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल शक्ल और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा. तो फ्रेंड्स, आफ्टर सो मैनी स्मॉल स्टेप्स अब मेरी चाट कॉर्न चाट रेडी हो चुकी है. अब हम आपको टेस्ट करके बताएंगे, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि आप इसको ट्राई करें ना करें. मैंने भी इसको यूट्यूब से देख के बनाया है पहली दफ़ा, तो देखते हैं साइड है कैसी है ये, कैसी नहीं है. सिंपल, हेल्दी और मज़ेदार. यानी हेल्थ वाइज अगर आपने चाट खानी है और आप कौन चाट खाते हैं तो बहुत बेहतरीन है. घर में बच्चे बड़े सारे खा सकते हैं इसको, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें. अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं थोड़े स्पाइसेस लेस कर दें और इसको ज़रूर ट्राई करके खाएं. ये मैंने ओपा के स्वीट कॉर्न से बनाई है, बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह.
और गाइस ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए इंशाल्लाह ऐसे ही नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।